हाँ तो बताइए सैलरी कितनी देंगे। देखिए सर, स्टार्टिंग आपकी 15,000 से होगी और बाद में 30,000 हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। यार बच्चों को डांटा ना करो, ऊंची आवाज बात ना क्या करो, बड़े हो रहे हैं अब, पता है कितना बुरा असर पड़ता है इनके ऊपर। मम्मी आजकल शैम्पू में काजू बादाम विटामिन और मिनरल्स इतने पाए जाते हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि खाने के बाद एक चम्मच शैम्पू लेना शुरू कर दूँ। पूरे इंडिया में दो इंसान सबसे ज्यादा समझदार हैं, एक मैं, एक जो मेरी वीडियो देखा है वो। तू ना हो तो बता दे। एक नेता जी कह रहे थे कि मंदिर बनने से क्या रोटी मिलेगी, तो हमने भी कह दिया भैया अरे मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठ जाना, रोटी के साथ साथ सब्जी भी मिलेगी। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया है कि ठंड बहुत पड़ रही है, तो ऐसे में अपनी पत्नी से लगातार बात करते रहें, क्योंकि वह कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह देगी जिससे आपके सारे तन बदन में आग लग दी रहेगी। अगर आप अपनी सेहत को बनाए रखना चाहते हैं तो रात को खाना खाने के तुरंत बाद ना सोएं, कृपया थोड़ी देर हमारी वीडियो देखने के बाद सोएं, इससे आपकी सेहत बनी रहेगी। थैंक यू। हमने सोचा था दोनों मिलके दुनिया से लड़ेंगे, लेकिन हमारी खुद की लड़ाइयाँ कम नहीं हो रही हैं। अबे हे, हाँ ये बता, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी क्यों की? अरे मैंने उस दुकान पे सिर्फ एक दिन अपनी बीबी के लिए सूट चोरी किया था, तो बाकी 2 दिन क्या करने गए थे? अरे बाकी 2 दिन तो सूट का कलर चेंज करने गया था। पंडित जी दुल्हन को दाई ओर बैठाऊं या बाई ओर? अरे जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो, ये तो बाद में सर पे ही बैठेगी। भाई साहब, भगवान को दिए हुए सब कुछ है, तौलिया है, साबुन है, पानी है, बस नावे की हिम्मत ना है। क्या तुमने बरस किया? किया। क्या तुमने नाश्ता किया? किया। क्या तुमने खाना खाया? खाया। क्या तुमने ठंडी में नहाया? नहा।